तेलंगाना में स्कूल दोबारा खोले जाने के इम्कान हैं और इदारों या दो या तीन हफ्तों में स्कूल की कुशादगी के मनसूबे में है। इस सिलसिले में एक तजवीज़ महकमे तालीमात की जानिब से रियासी हुकूमत को रवाना की गई। ज़िले नलगुंडा हालिया के लिए सरकारी डिग्री कॉलेज की मंजूरी दी जा रही है। वज़ीरे आला के सी आर का ऐलान, डिग्री कॉलेज शुरू करने के लिए ज़रूरी इकदाम करने वाले इदारों को दी हिदायत। एपी के साबिक चीफ मिनिस्टर और टीडीपी के कौमी सदर एम चंद्रबाबू नायडू ने एलुरु में सैकड़ों अफराद के अचानक बीमार पड़ने पर जाहिर की तशवीश, कहा पीने के पानी की आलूदगी के लिए हुकूमत की तसाहुली है जिम्मेदार। एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने आज हैदराबाद के त्रिमलागिरी में कामा रेड्डी जिले के डिप्टी सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर पलेश सत्यनारायण के घर पर छापे मारे। अगरचा क्रिकेट के बैटिंग केस में डीएसपी को क्लीन चिट मिल गई है। बाबरी मस्जिद इन्हदाम के 28वीं बरसी पर बोले अवेसी, हम इस नाइंसाफी को कभी फरामोश नहीं करेंगे। बाबरी मस्जिद के शहीद को हुए 28 साल मुकम्मल। मरकजी पेट्रोलियम वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने मुल्क में तेल की कीमतों में इजाफे पर तस्करा करते हुए कहा, इसकी वजह अमरीका में हालिया सदारत इंतखाबात और चंद ममालिक के अंदरूनी तनाजात हैं। किसान आंदोलन को लेकर सोनू सूद का ट्वीट, कहा किसान का दर्जा माँ बाप से कम नहीं। किसान मरकजी हुकूमत के नए ज़रई क़वानीन की मुस्तकिल मुखालिफत कर रहे हैं। कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत किसान तहरीक को ख़त्म करने के लिए संजीदा नहीं है और किसानों के साथ बातचीत का ढोंग करके मुल्क के किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। सीआरपीएफ और पुलिस टीम पर दहशतगर्दाना हमला, एक जवान और एक शहरी जख्मी, जख्मियों को इलाज के लिए करीबी अस्पताल कराया गया है दाखिल। मुस्लिम फेडरेशन ऑफ पंजाब की 25 रुकनी मुस्लिम नौजवानों की टीम लंगर कम्युनिटी किचन ने किसान आंदोलन में शरीक किसानों को खाना खिलाकर पेश किया खिदमत खल्क का मुजाहरा। महाराष्ट्र के बाद अब बीजेपी को उत्तर प्रदेश के कानून साज काउंसिल के इंतखाबात में जबरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ा। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को शिकस्त देते हुए दोनों सीटों पर किया कब्जा। चौटाला गांव के किसानों को दुष्यंत चौटाला के खिलाफ नारेबाजी, दुष्यंत चौटाला के खिलाफ भी भड़ास निकालते हुए कहा, दुष्यंत को अब हुकूमत छोड़कर किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए। गुजरात पुलिस पर स्टिंग ऑपरेशन के इल्जाम में 4 सहाफियों के खिलाफ FIR दर्ज। इन सहाफियों पर इल्जाम है कि उन्होंने राजकोट के एक पुलिस स्टेशन में घुसकर एक स्टिंग ऑपरेशन करने के बहाने पुलिस की ड्यूटी में की थी पैदावत। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने इतवार के रोज मुसलसल 5वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। तिजारत शहर मुंबई में आज पेट्रोल के दाम 90 रुपये फी लीटर हो गए। बीजेपी के कौमी तर्जुमान सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि हम कश्मीरियों को रोजगार देने वाले बनाएंगे, रोजगार मांगने वाले नहीं। नोएडा के बजाय पीलीभीत में बने फिल्म सिटी, यहां कुदरती वादियां पहले से हैं मौजूद। बॉलीवुड अदाकार राजपाल यादव का हुकूमत से मुतालबा। वनडे में तीसरी सबसे तेज सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम रखने वाले न्यूजीलैंड के बल्लेबाज कोरी एंडरसन ने न्यूजीलैंड क्रिकेट को फौरी असर से अलविदा कह दिया है। बरतानिया और बहरीन में इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के बाद अमरीकी दवा कंपनी फाइजर्स ने अपनी कोरोना वैक्सीन के हिंदुस्तान में हंगामी हालत में इस्तेमाल के लिए कंट्रोल जनरल ऑफ इंडियन मेडिसिन से इजाजत तलब की है। अफगानिस्तान की बर्फबारी की तस्वीर को कराची का बताकर सोशल मीडिया पर किया जा रहा है शेयर, जिसे सड़क बर्फ से ढकी हुई नजर आ रही है। जंग के लिए अपने फौजियों को सुपर सोल्जर्स बनाने में जुटा चीन, इंसानी मशक का आगाज, अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट में हुआ इंकशाफ।